सब्सक्राइब करें बालियन किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क पाउडर से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बर्फी की रेसिपी, जिसमें कि बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। और ये बर्फी जो है गाइस बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए ये एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रख लिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और गैस की फ्लेम को लो करके रखा है। और इस कढ़ाई में हम घी डाल देंगे, एक चम्मच घी लिया है मैंने। घी को गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम जो है लो ही रखनी है। इस पूरी रेसिपी में गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। और अगर आप ये जो बर्फी है आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है तो उसमें बनाएं तो अच्छा है, वरना ये थोड़ी थोड़ी चिपक जाती है स्टील वाली कढ़ाई में या फिर अदर दूसरी कढ़ाई में। तो जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हाफ कप दूध। ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। दूध को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और घी के साथ मिक्स कर देंगे। और ये जो बर्फी है गाइस बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना। और जैसे ही दूध गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने से पहले आप चाहें तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि इसमें एकदम से इसको हमें चलाना होता है और इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो अगर आप पहली बार ये बर्फी बना रहे हैं तो इसमें गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दें दूध के गर्म होते ही। और ये मैंने 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे दूध में और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसी समय हम इसमें डाल देंगे, जैसे मिल्क पाउडर मिक्स हो जाएगा तो उसी समय हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। ये मैंने 50-60 लगभग 50-60 ग्राम के करीब ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है। ये डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अगर आप पहली बार मिठाई बना रहे हैं तो चीनी मिक्स करने के बाद फिर आप गैस ऑन करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। और ये देखिए गाइस, बर्फी का ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल थिक होने लगा है, कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है। और 10 से 12 मिनट में ही ये बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से पक जाएगा। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, हाई नहीं करनी। और इसी समय जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे इलायची का, ये मैंने क्रश करके रखा हुआ है। 3-4 इलायची के बीज निकाल लिए थे, उनको क्रश करके डाला है। और साथ ही इसमें एक चम्मच और घी डाल देंगे और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा और थिक ना हो जाए। और ये देखिए गाइस, ये हमारा बर्फी जो है बिल्कुल थिक हो गई है। तो इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, बिल्कुल ये स्पैचुला के साथ साथ घूम रही है। तो इसी समय हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को मैंने गैस से उतार लिया है। और ये एक प्लेट पर मैंने घी लगा लिया है और इसमें हम जो है बर्फी जमा देंगे।
इस तरह से मिक्सचर को फैला लेंगे। आप कोई भी फ्लैट फ्लैट सा स्पैचुला लेकर या कोई फ्लैट कटोरी नीचे से जिसका फ्लैट सरफेस हो उस पे घी लगा के उससे इसको फैला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप में फैलाऊंगी। आप यह पूरी थाली में या प्लेट में ऐसे पूरी में फैला सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर शेप में फैलाऊंगी। इससे जो है पीसेस बहुत ही अच्छे कटते हैं, बिल्कुल इक्वल पीसेस। और ये देखिए जो है बर्फी को मैंने इस तरह से फैला दिया है। अब मैं इसको पिस्ते से गार्निश करूंगी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल अभी से ही ये लग रही है कि बहुत ही टेस्टी होगी, बिल्कुल मार्केट जैसा इसमें लुक आ रहा है। और पिस्ते को थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि ये निकले ना, और इसको और ज़्यादा बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए, हलवाइयों वाला लुक देने के लिए मैं इस पे ये चांदी का वर्क लगा रही हूँ। और ये देखिए जो बर्फी कितनी अच्छी लग रही है। अभी हमें इसको सेट करना है। मैं इसको 20 से 25 मिनट जब तक ये पूरी ठंडी नहीं हो जाती इसी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूंगी, फैन चला दूंगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और ये देखिए बर्फी जो है हमारी ठंडी हो गई है। मैंने इसको आधा घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था फैन चला के। अब हम इसको कट कर लेंगे। बर्फी को आप अपने मनपसंद किसी भी शेप के पीसेस में कट कर सकते हैं। और ये देखिए बर्फी को मैंने कट कर लिया है और बिल्कुल भी ये चिपकी नहीं है प्लेट में और बहुत ही अच्छे इसके पीसेस निकल रहे हैं। और ये देखिए गाइस कितने अच्छे से ये निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। एक बार आप इनको जरूर ट्राई करें। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फी ये बन के रेडी हुई है। गाइज एक बार आप इनको जरूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।